फ्रेंड फेमस टीवी सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अनुपमा की जिंदगी में एक बार फिर से गम के काले बादल छा गए हैं। खुशियां उसके दरवाजे पे दस्तक देते देते उससे मुंह मोड़ के वापस चली गई। अनु जहाँ आने ही वाला था उसने अपनी अनु के लिए सरप्राइज गिफ्ट तक ले लिया था, लेकिन अचानक उसके साथ ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से अनुज ने आने से साफ साफ मना कर दिया। क्या सच में अनुज की खुशी अब माया और छोटी के साथ रहने में है? आखिर अनुज ने अनुपमा को कॉल में ऐसा क्या कहा जिसे चुपचाप अनुपमा सुनती रही और बिना किसी सवाल जवाब के उसने अपनी लाइफ का इतना बड़ा फैसला ले लिया। अनुज क्यों मजबूर हुआ ये सब करने के लिए? इन सभी बातों का खुलासा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं शेयर आप सभी के साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेलीबूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको पूरी बात। जहाँ अनुपमा अपने अनुज के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी लेकिन अनुज नहीं आया और उसने कॉल पे ऐसी ऐसी बातें कहीं जिसे सुन के अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल मेकर्स ने उनके बीच हुई बातचीत को रिवील नहीं किया है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर अनुज ने ऐसा क्या कहा। अनुज ने कहा कि वो छोटी के बिना नहीं रह सकता और वहीं बरखा ने भी अनुज को वार्निंग दी थी कि अगर वो वापस आया तो वो बाकी और अधिक के रिश्ते को पूरी तरह से तबाह कर डालेगी और जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से किसी की लाइफ स्पॉइल हो, तो वो इसलिए भी वापस नहीं आना चाहता है कि उसकी वजह से उनका परिवार टूटे, क्योंकि बाकी की खुशी अधिक के साथ है और उससे प्यार करती है। और बरखा ने यह भी कहा अनुज से कि वो अंकुश को लेकर अलग हो जाएगी और अनुज अपने भाई अंकुश से अलग होना भी नहीं चाहेगा। तो अनुज ये भी नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके भाई का भी परिवार टूटे। तो दोस्तों हमारे अनुज कपाड़िया ने इन सब की खुशियों के चलते अपनी खुशी की कुर्बानी दी है और अनुपमा से कहा कि हमारे अलग रहने में ही सबकी खुशी है, और इसीलिए अनुपमा ने अनुज से कोई सवाल जवाब नहीं किया और चुपचाप आगे बढ़ने का फैसला ले लिया। तो दोस्तों यही सारे रीज़न हैं जिन्होंने मजबूर कर दिया वापस अनुपमा के पास ना आने से। दोस्तों आप सब क्या सोचते हैं अनुज के इस त्याग और बलिदान के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।